गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस की बायोलॉजी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। स्काइप इमटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। नीट का पेपर कब होगा, जब होगा देखेंगे, लेकिन हमारी तैयारी एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग हमेशा से प्रयासरत थे, प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे। बच्चों, इस कंप्लीट सिलेबस को आज से हम सब ने सोचा है कि कंप्लीट करेंगे, यानी कि 38 चैप्टर हैं, 10 यूनिट हैं। इस पूरी यूनिट को, इस पूरे कंटेंट को, एनसीईआरटी की दोनों किताबों को हम सब लोग किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं, एक चैलेंज है। आज मैंने फर्स्ट यूनिट का टारगेट रखा है और उम्मीद करता हूं कि जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप सबको काफ़ी कुछ याद हो चुका होगा। तो आप सब लोग, जो भी बच्चे हैं, वो सभी लोग इसे ज्वाइन करें और इन्जॉय करें। सभी बच्चे बेटा, जो लोग भी नीट का पेपर देने वाले हैं, अपनी किताब को ओपन करके बैठे। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र से आने वाले, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम को देने वाले बच्चों को भी अगर समय है तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलना तय है। फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। नीट वालों के लिए 100% फ़ायदे का सौदा है और दूसरे लोगों के लिए भी, बायोलॉजी है, दे विल गेट बेस्ट, उनको अच्छा ही मिलेगा और ये मुझे उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बहुत से बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत से बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। ये सफ़र हमारा 10 यूनिट का है और मैं कोशिश करूंगा इसे हम 4 से 5 दिनों में कंप्लीट कर दूं। कंप्लीट सफ़र हमारा 4 से 5 दिनों में बेटा पूरा हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैंने एक बार इस 10 यूनिट का सफ़र 4-5 दिनों में कंप्लीट कर दिया तो समझ लीजिए कि हम लोग कितनी बार और क्या कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन मोबाइल की हो सकती है, आपकी स्क्रीन लैपटॉप की हो सकती है, आपकी स्क्रीन टेलीविज़न पर हो सकती है, पीसी की हो सकती है, उस पर बेटा ये सारा मटेरियल दिखाई देगा। और साथ ही साथ आप अगर इच्छुक हों तो एनसीईआरटी जरूर खोल लेना, अदरवाइज़ यहाँ पर सारा मटेरियल आपको लाइन टू लाइन मिलेगा। मैं बेटा क्वेश्चन बोलूँगा, आंसर भी दूँगा, क्यों यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से दोनों हैं। उसके बाद बच्चों, अगर आप चाहेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। मेरा ऑफिशियल नंबर है 9792169169। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, करेक्ट? चलिए शुरू करते हैं नाउ। एनसीईआरटी 11th की फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी में पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म को बेटा बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एनिमल ग्रुप की स्टडी को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। फादर ऑफ जियोलॉजी भी एरिस्टोटल हैं। प्लांट ग्रुप की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी
थियोफ्रेस्टस, कुछ क्वेश्चन मैटर नोबेल के लिए मैंने बोला है, नोबेल प्राइज जो होता है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक बेटा, अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। 21 अक्टूबर को बेटा नोबेल प्राइज विनर का नाम अनाउंस किया जाता है। इनकी डेथ 10 दिसंबर 1896 को हुआ था और 10 दिसंबर को बेटा नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज के लिए दो दिन जरूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर और 10 दिसंबर, और स्वीडन के किंग या राजा के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसमें बेटा 3 पर्सन शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, फिजिक्स के लिए, मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी के लिए, पीस यानी शांति के लिए, इकोनॉमिक यानी आर्थिक के लिए, केमिस्ट्री और लिटरेचर मीन्स साहित्य के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। गॉड ऑफ मेडिसिन बेटा किसे कहते हैं? धनवंतरी। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट। फादर ऑफ सर्जरी सरसुता। राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी की गई। ऑप्थैल्मिक सर्जरी, आँख की। अब आती बात अर्नेस्ट मेयर, यहाँ से शुरू हो जाता है मुख्य रूप से खेल आपकी एनसीईआरटी का बेटा। और पहला क्वेश्चन रहता है अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1904, कहाँ? जर्मनी में। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पर, और वो क्वेश्चन ये है डार्विन ऑफ 20वीं शताब्दी किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को, ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा, कितने वर्ष अपने समय के 100 ग्रेटेस्ट वैज्ञानिकों में इनका नाम था? 1975 में रिटायर्ड हुए बेटा, और जानते हैं इनको किस टाइटल के नाम से नवाजा गया? अलेक्जेंडर एगेज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स। इनका जो स्टडी कैरियर था लगभग 80 वर्षों का था। इन्होंने 6 ब्रांचेस में वर्क किया, महारत हासिल की, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक, शॉर्ट में जी हॉट्स कहते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए बेटा, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज को डिफाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। चंचल, नेहा, सपना, वरुण, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल स्पीसीज को किसने डिफाइन किया? अर्नेस्ट मेयर ने। इनको बेटा प्राइज मिले, अवार्डेड 3 प्राइजेस, बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और क्रेफर्ड प्राइज। इनकी डेथ बेटा 100 वर्ष की उम्र में 2004 में हुई। बच्चों अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 से, लिविंग किसे कहते हैं? अगर हम नीट के बेसिस पर क्वेश्चन कहें बच्चों, तो ये क्वेश्चन कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये नीट के लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लाइफ की डेफिनेशन है। लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पहला यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग बताओगे, 3 फीचर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ध्यान से देखिएगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कुछ और फीचर बताओ लिविंग के, देखिए ध्यान रखना, कुछ और फीचर, तब बेटा उसमें मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज का ऑप्शन आया, और जब ऐड करने की बात आई तब पर क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर बेटा ग्रोथ किसे कहते हो? ग्रोथ के 2 फीचर इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, पहला ग्रोथ परमानेंट होती है, दूसरा ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा बॉडी का
मॉस भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, इसे बेटा ग्रोथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्विन करेक्टर्स ऑफ द ग्रोथ बोलो, यही क्वेश्चन नीट में आएगा। ग्रोथ के दो करेक्टर माने गए हैं, इंक्रीज इन मॉस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा, नीट के सारे एस्पायरेंट्स इस बात को अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। पहला पॉइंट बेटा, प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती थ्रू आउट द लाइफ, एनिमल में ग्रोथ सर्टेन फेज ऑफ द लाइफ पर होती है बस। प्लांट में ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक रीजन में होती है, एनिमल में ग्रोथ ओवरऑल बॉडी होती है, डिफ्यूज ग्रोथ कहते हैं। प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, एनिमल में ग्रोथ बेटा लिमिटेड होती है। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, केवल एक चीज, सेल डिवीजन, एक सेल दो सेल बन गई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, मास बढ़ गया। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है। क्यों? जब सेल डिवाइड करती है तो दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, इसमें जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, दिस इज रिप्रोडक्शन, करेक्ट। यूनिसेलुलर में दोनों सिनोनिमस एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंक्रीज इन बॉडी मास किस पर डिपेंड करता है, ग्रोथ पर। बेटा क्वेश्चन, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि बेटा नॉन लिविंग ग्रोथ बाहर से होती है और लिविंग में ग्रोथ बेटा इंटरनल होती है। इसलिए नॉन लिविंग में पहाड़ का बढ़ जाना, मिट्टी का इकट्ठा हो जाना भी ग्रोथ है, लेकिन वो बेटा इरेगुलर ग्रोथ है। अब माउंटेन और सैंड का इकट्ठा हो जाना एक्सटर्नल ग्रोथ है, इसलिए बेटा ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जाता है। फिर बेटा ग्रोथ इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, अंदर से ग्रोथ किस में होती है, लिविंग में, करेक्ट। चलिए अगला करेक्ट है बेटा, रिप्रोडक्शन का होता है। क्या होता है रिप्रोडक्शन मेरे बच्चों? बेटा इससे ज्यादा फैल नहीं पाएगा, आपको थोड़ा सा शायद छोटा नजर आ रहा हो, ठीक तो है, ठीक है बेटा, ओके। रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बेटा। देखो दुनिया में कोई भी चीज एक दिन में नहीं पाई जाती बेटा, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये हुआ, रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे सदस्यों की संख्या को बढ़ाने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। सारे बच्चे केवल केवल एक बार सुनते रहें, उनके करेक्टरिस्टिक्स पूरे होते रहेंगे। कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन बेटा, दो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आराम से पढ़ना है, भागना बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ना। सेक्सुअल में गैमिट बनते हैं, उसका फ्यूजन होता है, गैमिट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होती है। जबकि बेटा
एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फ्यूजन अब गैमिट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा भाई स्पोर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते क्या पूछा जाएगा नीट के क्वेश्चन बेटा, फंजाई कैसे मल्टीप्लाई करता है, फंजाई मल्टीप्लाई करता है और फैलता है बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। पता है बेटा फंजाई की स्पोर्स के नाम, कोनिडियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स, जू स्पोर्स, ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, ऊ स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। पूछा गया बडिंग किसमें होती है, ईस्ट और हाइड्रा। अब यूनिसेलुलर कौन होगा, ईस्ट। मल्टीसेलुलर कौन होगा, हाइड्रा। क्वेश्चन है बेटा रीजनरेशन किसे कहते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का कुछ सेल से पूरा बन जाना रीजनरेशन कहलाता है, ट्रू रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल तीन दिए बेटा आपके एनसीईआरटी में, तीन। फ्रेगमेंटेशन फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और मॉस के प्रोटोडिबा में। ऐसा थोड़ी है कि फ्रेगमेंटेशन तीन ही जगह है ना, एंजियोस्पर्म में फिलामेंट स्टेम का टूट करके लगाना, ये भी तो बेटा फ्रेगमेंटेशन है। तो प्लांट बॉडी का टूटना ही फ्रेगमेंटेशन। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन ग्रोथ के साथ सिनोनिमस किस में होता है, यूनिसेलुलर में। वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, चाहे अमीबा हो, अगर वो यूनिसेलुलर है तो ग्रोथ के साथ वो सिनोनिमस होगा ही होगा। वो बात आपकी सही है बेटा कि क्वेश्चन तो बड़ा हो जाएगा ठीक, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनको दोनों चीज़ दिखेगी तो अंडरलाइन करने में बेहतर रहेगा बेटा, इसलिए ठीक है बेटा। सूर्यांश गुड इवनिंग बेटा। ग्रोथ का मतलब बेटा सेल का नंबर बढ़ना, एज वेल एज बेटा मॉस का बढ़ना। फिर बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है। रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मानते हैं, तब बेटा क्वेश्चन बनता है तीन कारण हैं। पहला बेटा देखना, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्टाइल वर्कअप भी नहीं करती हैं और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। एक भी एक्सेप्शन हमें उस थ्योरी को, उस डेफिनेशन को 100% करने से मना करता है बेटा ठीक। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, सारी केमिकल रिएक्शन जो सेल में होती हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना बेटा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर महत्व दूंगा, हो सकता है कि थ्योरी में कुछ क्वेश्चन और भी मेंशन किए हों, हो सकता है कि इस पीडीएफ में क्वेश्चन कुछ और भी ज्यादा हों सक्षम, तो बेटा ध्यान रखना मैं उन क्वेश्चन को यहां पर महत्व दूंगा जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, क्या मेटाबॉलिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, क्या हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं, जवाब होगा यस। फिर क्वेश्चन दूसरा, क्या टेस्ट ट्यूब में होने वाली केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म है, आंसर होगा नो।
मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करने के लिए सेल का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बेटा डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म क्या हो जाती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो बेटा कोई भी फॉर्म लिविंग नहीं होगी, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कह देंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट करेंगे, कॉन्सियसनेस किसे कहते हैं, एक प्रकार की संवेदना। कॉन्सियसनेस किसकी प्रॉपर्टी है, सभी ऑर्गेनिज्म की। एनवायरमेंट का सेंस करना, एनवायरमेंट के लिए सेंसिटिव होना कॉन्सियसनेस कहलाता बेटा। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या प्लांट में कॉन्सियसनेस होती है, यस। क्या एनिमल में कॉन्सियसनेस होती है, यस। फोटोपीरियोडिक इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट किस पर पड़ता है, प्लांट पर, एनिमल पर, या बोथ। बोथ, रिप्रोडक्शन पर भी पड़ता है, ब्रीडर्स पर, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। अगला क्वेश्चन, सेल्फ कॉन्सियसनेस प्रॉपर्टी किसकी होती है, ह्यूमन में, केवल ह्यूमन में सेल्फ कॉन्सियसनेस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। कॉन्सियसनेस सभी में होती है, सेल्फ कॉन्सियसनेस बेटा ह्यूमन में, करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन आएगा, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी। इस पैराग्राफ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान से देखना बेटा। जानते हो क्या लिखा गया, हायरार्की किसे कहते हैं, एक प्रकार का है इंटरेक्शन है बच्चों। व्हाट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कहते हैं, मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने कहा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होता है तो ऑर्गेनेल बनता है, ऑर्गेनेल में इंटरेक्शन है तो सेल बनती है, सेल का इंटरेक्शन है तो टिश्यू, टिश्यू का तो टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम तब ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बन जाता है बेटा। तो कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू सेल में होती है या नहीं होती है, तो प्रॉपर्टी टिश्यू नॉट इन अ सेल, टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में नहीं होती है बल्कि सेल की प्रॉपर्टी टिश्यू में होती है। उसी प्रकार से प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनेल मॉलिक्यूल में नहीं होती है कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी ऑर्गेनेल में पाई जाती है बच्चों। इस पैराग्राफ से यही क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है बेटा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना, इसे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कहा जाता है। बायोलॉजी, उसी पेज पर आ जाओगे, बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दूसरा बायोलॉजी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो बायोलॉजी। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उनको देखना, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है कि बहुत सी किताब में क्या लिखा है, इस समय बेटा इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत है, क्लियर है ना। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे हर लाइन को देखना ही देखना है, तो ये समय हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पकड़ने का है। आइए बेटा डाइवर्सिटी, अब एक टॉपिक खत्म हो गया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन बेटा, अब तक कितनी नॉन डिस्क्राइब डाइवर्सिटी है, 1.77.8। नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं बेटा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। पहले बेटा कैसे नाम हुआ करते थे, लोकल नेम को क्या करते हो, वर्नेकुलर नेम कहते हैं, जो बेटा जगह के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है बेटा।
फिर साइंटिफिक नेम आए, पॉलीनोमियल का मतलब बेटा एक कार्यक्रम के एक से ज्यादा नाम हो, बाइनोमियल मीन्स दो शब्द में नाम हो, ट्राइनोमियल में बेटा तीन शब्द हो। दो शब्द कौन से होंगे? जीनस और स्पीसीज। तीन शब्द कौन से होंगे? जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। प्लांट में क्या होता है? जीनस, स्पीसीज और वैरायटी, इनके हिसाब सब स्पीसीज। नॉमनक्लेचर, साइंटिफिक नेम किस पर बेस्ड हैं? एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया पर। किसने बनाया? आईबीसीएन। क्या नाम है आईबीसीएन का? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का? बेटा एक नाम। बायोलॉजिस्ट क्या फॉलो करते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। आईसीबीएन का फुल फॉर्म आईसीबीएन फॉर बॉटनी यानी प्लांट के लिए, आईसीजेडएन फॉर जूलॉजी एनिमल्स के लिए। बट मैंगो का क्या नाम है? लास्ट ईयर पूछा गया, मैंगी फेरा इंडिका। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया बच्चों? कैलस कैरोलस लिनियस ने। गुड। यूनिवर्सल रूल बताओ बेटा। लैटिन, इटैलिक, लैटिनाइज्ड, जीनस, स्पीसीज, अंडरलाइन कैसा हो बेटा? सेपरेटली, अलग अलग। ऑथर का नाम कहाँ लिखा जाए? स्पीसीज के बाद में। ऑथर नाम कैसे लिखा जाए? एब्रीविएटेड, शॉर्ट में। ठीक। ऑथर का नाम किस बेसिस पर किया जाए? जिसने पहले डिस्क्राइब किया हो। पॉसिबल प्रोसेस टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द क्लासिफिकेशन। डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, ये सभी चीजें क्या है बेटा? एक प्रकार से टैक्सा हैं। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल, क्योंकि हमें मालूम है बेटा कितनी कैटेगरीज होती हैं। सात, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये बेटा सात कैटेगरी होती हैं। बस इस तरफ जो भी टर्म लिखोगे आप, दिस ऑल आर टैक्सा, सब टैक्सा होंगे। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे मैंने कहा आप काकरोच ले लो, तो इसका किंगडम भी है, फाइलम भी है, क्लास भी है, ऑर्डर भी है, फैमिली, जीनस सब हैं बेटा। तो यानी कि इसके अलग अलग करेक्टर के बेसिस पर अलग अलग टैक्सा नाम है। तो काकरोच के लिए, क्लास के लिए टैक्सा इंसेक्टा, फाइलम के लिए टैक्सा आर्थ्रोपोडा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी का बेसिस क्या है? ये बेटा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, किताब में हम सब लोग जनरली नजरअंदाज कर देते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सब कुछ है, लेकिन फिर बेटा प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? चार शब्द नोट करो बेटा, कौन कौन से बोलोगे? करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक किसे कहते हो? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशन डेवलप करती है। वर्ड सिस्टमेटिक कहां से आया? लैटिन सिस्टमा से। सिस्टमा का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। लेनियस ने सिस्टमा नेचुरी यूज किया अपनी किताब के पब्लिकेशन के लिए। बहुत बढ़िया तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया बेटा। ये कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट मटेरियल अगर आपको चाहिए तो 9792169169 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा पीडीएफ क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक क्या है? जो बाद में बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर प्रत्येक कैटेगरी को क्या रिफर करते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी ये जो सात कैटेगरी बोली थी बेटा, ये सभी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। रैंक या टेक्सा या फैक्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सॉन रैंक को ही हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। बच्चों इंसेक्ट आ गया। इंसेक्ट का मतलब बेटा थ्री पेयर ऑफ द लेग्स, इसका मतलब बेटा ये क्लास में रखा गया है। अगर मैं कहता आर्थ्रोपोडा तो जॉइंटेड लेग्स, इसका मतलब हम इसे फाइलम को देते। अगर मैं कहता विदाउट वर्टिब्री तो मैं इसे नॉन कॉर्डेटा में रखता। तो ये बेटा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे क्लासिफाई कर दिया जाते। आइए स्पीसीज किसे कहते हैं बेटा? लोवेस्ट कैटेगरी है बेटा, ये सबसे नीचे वाली। बताओ बेटा कितनी कैटेगरी है? सात। सभी को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम में लेस कॉमन एंड मोर जनरल कैरेक्टर्स हैं। स्पीसीज में मोर कॉमन एंड मोर कॉमन कैरेक्टर, लेस कॉमन मोर कॉमन। स्पीसीज मतलब इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के समूह को स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज मतलब वो ऐसी पॉपुलेशन जो अपने आप में रिप्रोड्यूस करती है, वो स्पीसीज कहलाती है, इंटरब्रीड करती है। स्मॉलेस्ट कैटेगरी स्पीसीज, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। ठीक, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी आपकी किताब में कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से दिए गए बेटा। सब पढ़ने हैं, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। स्पीसीज याद करना है बस, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। बट मैंगो की, मैंगी फिर एंडिका, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, मकोए, ब्लैक नाइटशेड, सोलेनम नाइग्रम, बैगन, ब्रिंजल, सोलेनम मेलेनोजेना, लायन, पैंथेरा लियो, टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, लेपर्ड, पैंथेरा पारडस, स्नो लेपर्ड, पैंथेरा अंसिया, ह्यूमन,
होमोसेपियंस, याद होगा बेटा सब। थोड़ा सा पीछे, जीनस स्पीसीज के समूह को, ग्रुप को बेटा आप जीनस कहते हो, करेक्ट? जैसे क्वेश्चन कह दिया गया, क्या होता है एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को जीनस कहते हैं। सोलेना में एक जीनस है, तीन स्पीसीज ट्यूबरोसम नाइग्रम मेलेनोजिना है, पेंथेरा एक जीनस है, तीन से लियो टिग्रिस पार्टस अंसिया चार स्पीसीज है, फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को फैमिलीज कहते हैं। प्लांट फैमिली किस बेसिस पर करेक्टराइज्ड है? वेजिटेटिव पर भी, रिप्रोडक्टिव पर भी। सोलेनम, पिट्यूडिया और धतूरा किस फैमिली को बिलोंग करती हैं? सोलेनेसी। बेटा नीट का पेपर बहुत सरल आने वाला है बच्चों, जैसी भाषा लिखी है इससे कठिन कुछ नहीं आने वाला है। 90 क्वेश्चन इसी से आपको मिलने वाले हैं। ऑर्डर, स्पीसीज जीनस फैमिली के समूह को ऑर्डर कहते हैं, एग्रीगेट करेक्टर पर बेस्ड होता है। कानुबल विलेशी और सोलेनिशी का ऑर्डर नाम बताओ, पॉलीमोनियल्स। प्लांट फैमिली किस बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है? फ्लोरल कैरेक्टर। बेटा फैलिडी और कैनिडी किस ऑर्डर में आते हैं? कार्निवोरा। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन का ऑर्डर बताओ, प्राइमेटा। बच्चों मैं सबसे कह रहा हूं, जब नीट का पेपर आए तब आप मिला लीजिएगा, इसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले। मैंने बहुत शॉर्ट किया है एनसीईआरटी को पूरा। ये बेटा किस क्लास को बिलोंग करते हैं? मैमिलिया। फाइलम, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल किस फाइलम में आते हैं? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के कौन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होते हैं? तीन, नोटोकार्ड का पाया जाना, न्यूरल सिस्टम एंड फरिंजियल गिल शिफ्ट। कितनी ऑब्लिगेट या ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं? सात, आगे पढ़ चुके हो। सब कैटेगरीज क्यों होती हैं, इसका क्या रोल है? ज़्यादा फैसिलिटी और बहुत बेहतर क्लासिफिकेशन हो सके। जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे से हायर स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाते हैं। चलिए थोड़े से क्वेश्चन बोलिए, वही क्लासिफिकेशन देखो बेटा। पिटूनिया, धतूरा, मकोए, पोटैटो, ब्रिंजल और सोलेनम, पोटैटो, ब्रिंजल और पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सभी का किंगडम प्लांटी, सभी का फाइलम एंजियोस्पर्म, सभी का क्लास डाइकोटिलेडन, सभी का ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, इसकी फैमिली सोलेनेसी और इसकी फैमिली बेटा कन्वल्वुलेसी, ठीक? और ये जीनस और ये स्पीसीज। ऐसे ही डॉग, कैट, इन सब की किंगडम एनिमेलिया, फाइलम सबका कॉर्डेटा, क्लास सबकी मैमेलिया, सभी कार्निवोरा। हाँ, डॉग की कैनिडी फैमिली और कैट की फैलिडी, लाइन डाइगर सबकी फैलिडी, ठीक है? चलिए यहां दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनाकॉर्डियसी किसकी फैमिली है? मैंगो। सेपिनडेल किसका ऑर्डर है? मैंगो।
समझे बेटा? म्यूसेडी किसकी फैमिली है? हाउसफ्लाई। ये तीन क्वेश्चन मैंने इंटरलिंक किए हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। टैक्सोनॉमिक एड, बेटा हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं कि हम और भी किसी प्रकार से पौधे को, प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जवाब होता है यस, उसे टैक्सोनॉमिक एड कहते हैं, जिसके लिए बहुत जरूरती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटेंसिव लैब और फील्ड स्टडी, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में और फील्ड दोनों जगह स्टडी इंपॉर्टेंट। नंबर एक पहला क्वेश्चन बेटा। दूसरा, होलोटाइप किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए हम उसको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फील्ड, तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एनिमल को होलोटाइप कहा जाता है। बेटा एनसीईआरटी में ये लिखा है, बट होलोटाइप टर्म नहीं दी हुई है, इसलिए इसे स्पेशल रूप से आपको याद रखना है, जो भी बेटा नीट एस्पायरेंट से। अगला क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए प्राइम सोर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कहोगे कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फिर बेटा टैक्सोनॉमिक की में नंबर पहला क्या है? हर्बेरियम। बेटा हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड प्लांट्स एनिमल नहीं सॉरी प्लांट स्पीसीज करेक्ट प्लांट स्पीसीज बेटा कैसे रखते हैं? ड्राई प्रेस करके, प्रिजर्व करके शीट पर। क्या फॉलो करते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या यूज करते हैं फ्यूचर में यूज के लिए? यस बेटा, स्पेसिमेन को रखते हैं फ्यूचर में एज ए स्टोर हाउस फॉर द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन आता है शीट का मतलब, हर्बेरियम शीट, लेबल होती है, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, वर्टिकल नेम, प्लांट फैमिली और कलेक्टर का नाम। क्या होती लंबाई चौड़ाई? लंबाई 42 सेंटीमीटर कागज की और चौड़ाई 23 सेंटीमीटर। इसे बेटा क्विक रेफरल सिस्टम किसे कहते हैं? हर्बेरिया को। बेटा प्लांट के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, ये बेटा किताब में नहीं, लिख लेना, फार्मेलिन, एसिटोस्टिक एसिड और एल्कोहल। फार्मेलिन 5 पार्ट है, एसिटोस्टिक एसिड 5 पार्ट है, एल्कोहल 90% पार्ट है। वाइजनिंग सबस्टेंस में क्या देते हैं? 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड। कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा हर्बेरिया के, हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटन गार्डन्स क्यू ग्रेट ब्रिटेन में है, म्यूजियम नेशनल हिस्टोरी नेचुरी फ्रांस में है, हर्बेरियम इंडियन बॉटन गार्डन कलकत्ता में है, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कल देहरादून में है, हर्बेरियम नेशनल बॉटनिकल रिसर्च लखनऊ में है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट NBRI। कब फाउंड हुआ? 1948 में। कितनी स्पीसीज हैं? 40,000। अब देखिए 40,000 स्पीसीज को प्रिजर्व किया गया वहां पर। बॉटनिकल गार्डन किसे कहते हो? बॉटनिकल गार्डन में क्या होते हैं बेटा? बॉटनिकल गार्डन में केवल प्लांट होते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट होता है, इसे एक्सीटू कंजर्वेशन भी कहते हैं। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। हर प्लांट में लेबलिंग करते हैं बेटा, साइंटिफिक नेम की और फैमिली की। तीन फेमस बॉटनिकल गार्डन नाम बताओ। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू 300 एकड़ में फैला है,
इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा कलकत्ता 273 एकड़ में फैला है, NBRI सिकंदर बाग लखनऊ 70 एकड़ में फैला है। पहला बॉटनिकल गार्डन किसने एस्टेब्लिश किया था? थियोफिस्टस। तो हार्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, अब म्यूजियम है। म्यूजियम में बेटा हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसे मानते हैं। स्कूल कॉलेज के जो लैब होते हैं ना बेटा, ये इसी में आते हैं। म्यूजियम में बेटा प्लांट और एनिमल को कलेक्ट करके रखते हैं हम लोग, कितने प्रकार से रखते हैं। नंबर एक, कंटेनर या जार में। नंबर दो, प्लांट और एनिमल स्पेसिमन को ड्राई करके रखते हैं। नंबर तीन, इंसेक्ट को बेटा बॉक्स में रखते हैं पिन से लगा करके। नंबर चार, लार्ज एनिमल बर्ड्स और मैमल्स में भूसा भर के रखा जाता, प्रिजर्व करते हैं। नंबर चार, स्केलेटन रखते हैं। नंबर पांच, बच्चों जूलॉजिकल पार्क क्यों बनाते हैं? आओ बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क के लिए। यहां पर बेटा एनिमल को रखते हैं प्रोटेक्टेड करने, दो, एक फूड हैबिट जानने के लिए, दूसरा बिहेवियर ऑफ है, बस दो चीजें ध्यान रखना बेटा। एक्सीटू कंजर्वेशन ये भी है कि बेटा एक दूसरा टैक्सोनॉमिक एड है। की का मतलब क्या होता है? किसी चीज की किसी को खोलना, ताला कुंजी वही है, ये दूसरा टैक्सोनॉमिक की है बेटा, जिसमें दो फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेलेक्ट किए जाते हैं, दो फीचर्स बेटा बेसिस होता है। पेड करेक्टर को कपलेट कहते हैं बेटा, दोनों कपलेट बेटा अपोजिट होते हैं, वन सेलेक्टेड होता दूसरा नहीं। दोनों स्टेटमेंट को बेटा लीड कहा जाता है, ईच स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। अलग अलग टैक्सोनॉमी के लिए अलग अलग की होते हैं। अब बेटा एनालिसिस पर बेस्ड होता है, केमिकल एनालिसिस नहीं चलता। करेक्ट, इन क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखते रहना। फ्लोरा किसे कहते हैं? एरिया जहां पर प्लांट हो बेटा, उस हैबिटेट एरिया को बेटा हम लोग फ्लोरा कहते हैं। मैनुअल्स किसे कहते हैं? जब हम किसी एरिया के तमाम से ऑर्गेनिज्म का एक कलेक्शन रखते हैं तो उसे मैनुअल्स कहते हैं। मोनोग्राफ किसे कहते हैं? किसी एक स्पीसीज का इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन टैक्सा मोनोग्राफ कहलाता है। कैटलॉग कैसे कहलाता है? कैटलॉग मतलब डेटाबेस को इसी दी हो उसे बेटा कैटलॉग कह देते हैं। जर्नल्स क्या होते हैं? ये इनिशिएटिव नहीं है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू एडिशंस एंड सेपरेट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम। वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा कुछ नई खोज के पब्लिकेशंस को जर्नल्स कहा जाता है। इस प्रकार बेटा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही बेटा सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन बेटा, जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से क्लासिफिकेशन हुआ है, वो बेटा कैसा था? साइंटिफिक नहीं था, किस बेसिस पर बेस्ड था?
यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड था। अर्लियस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा? एरिस्टोटल ने दिया। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा? एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजी पर। क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट को किस में क्लासिफाई किया? हर्ब्स और ट्री में। एनिमल को किस में क्लासिफाई किया? इनेमा और एनेमा। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनियस ने। ड्रॉबैक कितने थे? तीन। यूक्रेट को किससे अलग नहीं कर पाए? यूनिसेलुलर को, फोटोसिंथेटिक को। बाद में क्या हुआ बेटा? क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम सिस्टम। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन, सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा की, बाकी सब की यूकैरियोटिक। सेल वॉल मोनेरा की नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसेक्राइड, पेप्टिडोग्लाइकन। काइटिन के सेल वॉल किस में होती है? फंजाई में। सेल्युलोज की किस में होती है? किस में एब्सेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट है? बाकी सब में प्रेजेंट। सेलुलर लेविल ऑर्गेनाइजेशन किस में है? फाइव किंगडम कौन कौन से हैं? मेंशन द फाइव डिफरेंस बिटवीन। ये तो खुश जाना के अलग हो गया, इसी निकल आएंगे। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? किस ईयर में दिया? कितने क्राइटेरिया थे? कौन कौन से थे? क्या लिखते हैं बोला? नफरत से, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन, थैलस, सेल। नफरत से डिवीजन। कितने डोमेन्स हैं? तीन। कौन कौन से हैं? आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूकेरिया। बैक्टीरिया किस डोमेन में आता है? यूबैक्टीरिया। करेक्ट बेटा। बच्चों स्पीड ठीक है, चलिए अर्लीस्ट क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा में ये सारी चीजें बेटा किस में रखे गए थे? मोनेरा में।
पहले बेटा प्लांटी में थे, अब किस में है? मोनेरा में। क्लाइमेटोमोनास स्पायरोगा के साथ था प्लांटी में, लेकिन अब बेटा किस में है? प्रोटिस्टा में। फंजाई बेटा प्लांटी के साथ थी, अब बेटा अलग किंगडम है। हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई प्लांटी के साथ था, अब बेटा अलग किंगडम है। अगला क्वेश्चन बेटा, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन और पॉलीसेक्राइड। एल्गी में सेल वॉल किसकी है? सेल्युलोज ग्लूकन मैनन गैलेक्टन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों बहुत जरूरी जगह है बेटा इन सब चीजों का। तो चलिए महिमा क्या कह रही हो, स्लो है या फास्ट है, क्या कर दें? आपकी थोड़ी सी ओपिनियन से बदलाव हो सकता है। सक्षम चांदनी, क्या चाहते हैं आप लोग? स्पीड ठीक है सर, सक्षम का कहना है ठीक है। बच्चा मेरा मानना है कि हम बोलते हैं और किताब को एक बार नजर डालते रहो, और 3-4 घंटे में अगर एक यूनिट हो जाती है और लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चंस मिलते हैं 2-3 घंटे में, 3 घंटे में, तो बेहतर है, बुरा नहीं है, इट्स अ गुड। ठीक है बेटा, चलिए फिर 19-20 होता रहता है, किसी को थोड़ा कम लगेगा किसी को ज़्यादा, लेकिन फिर भी एज ए होल अगर अच्छा हो जाता तो ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए बेटा। 10 यूनिट हैं, 38 चैप्टर हैं, थोड़ा मटेरियल नहीं है, बट मैंने टारगेट लिया है सब कुछ फिनिश करने का बेटा। आइए ध्यान से देखिएगा बेटा, और मेन चीज ये है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देख रहे हो। एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन लिखा है बेटा यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन जो किताब से निकाल कर दिए गए हैं बहुत खूबसूरत है बेटा। ठीक सक्षम, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विटकर सिस्टम में सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में। क्लाइमेटोमोनास क्लोरेला किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। पैरामीशियम अमीबा किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। अब बेटा किंगडम शुरू हो जाएंगे, और किंगडम बेटा जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं अंडरलाइन ना करूं तो क्वेश्चन बेटा जल्दी हो जाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया कोकस, रॉड शेप्ड बेसिलस, कॉमा शेप्ड वाइब्रियम, स्पाइरल स्पाइरलम, कोकस का प्लूरल कोकाई, वाइब्रियम का प्लूरल वाइब्रियो। स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, बिहेवियर बैक्टीरिया का, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया, कितने प्रकार के हेटरोट्रॉफ, आर्किबैक्टीरिया का हैबिटाट, हेलोफिलस बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं,
थर्मोस्टोफिल्स कहाँ रहते हैं, मिथेनोजेंस कहाँ रहते हैं, कॉगन बेफेलोज में मिथेलोजेंस, रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, बायोगैस कौन बनाते हैं, आर्किबैक्टीरिया किस बात पर डिफर करते हैं, बेसिक कंपोनेंट इसका क्या है, एंड एस्टिल ग्लूकोज एमीन एंड एन एस्टिल एस्टिल एस्टिलोमेरेमिक एसिड, यू बैक्टीरिया में क्या क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेटिक बीजीए में कौन सा स्पेशल पिगमेंट है, बीजीए का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉलोनियल का क्या है, फिलामेंटस का, बीजीए कैसे हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी और मैरिन भी और टेरेस्ट्रियल भी, वाटर ब्लूम किसके कारण बनता है, कौन सी सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेती है, बीजीए के दो एग्जाम्पल बताओ, बीजीए का न्यूट्रिशन बताओ, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन बताओ, कीमोटोटॉप का एग्जाम्पल बोलो, नाइट्रीफाइंग का बोलो, नाइट्रोसोमोनास बोलो बेटा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस, एल्गल ब्लूम जहां होती क्या ज्यादा होते हैं, वहां पानी कैसा होता है, क्या रिच होते हैं, वहां दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम, एंटीबायोटिक वाले बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मुख्य रूप से कौन से जीनस बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताओ, कालरा किसके द्वारा होता है, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, बडिंग किसमें देखने में मिलती है, बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप किताब खोलिए, किताब देखिए, नीट के जितने भी बच्चे हैं 10 यूनिट उनकी 38 चैप्टर पूरे किए जाएंगे, शाम को 7 बजे से क्लास होगी आपकी, ठीक है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब बनता है बेटा, कंडीशन जब, किसके द्वारा होगा, कौन सा स्पोर बनेगा, ये बेटा फेवरेबल में बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रिमिटिव, कितने द्वारा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन किसने खोजा, कंजुगेशन, लेडरबर्ग एंड टैटम, ट्रांसडक्शन, लेडरबर्ग एंड जिंडर, तीन बातें बोलूंगा बेटा मैं जल्दी से, कल्चर मीडियम के द्वारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा तब, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा होगा तब, कंजुगेशन, और अगर बेटा बैक्टीरियोफेज के द्वारा होगा तब, ट्रांसडक्शन, आओ बेटा माइकोप्लाज्मा में 4 क्वेश्चन, पहला सेल वॉल बोलो, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? और क्या काज करते हैं बेटा? पैथोजेनिक होते हैं। ओके बेटा, आओ नए किंगडम की ओर बढ़ते हैं। और किंगडम का नाम बच्चों क्या है? प्रोटिस्टा। देखो मोनेरा बहुत आसानी से बहुत जल्दी से रिवाइज हो गया, तो जितने भी जनरल है बेटा वो जल्दी से हो जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन, मैंने कहा ना अगर मैं अंडरलाइन नहीं करता हूं तो चीजें थोड़ा सा फास्टर चलेंगी। पहला क्वेश्चन बेटा, यूनिसेलुलर यूकेरियोट का किंगडम क्या क्या इंक्लूड होगा? ये क्या है? स्राइमोड क्या है? प्रोटोजोन्स क्या है? पहला क्वेश्चन, प्राइमरी हैबिटेट प्रोटिस्टा का। लोअर लिंक किससे है? हायर लिंक किससे है? न्यूक्लियस कैसा है? रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ क्राइसोफाइटा में क्या इंक्लूड करते हैं? बोलो बेटा, डायटम्स एंड गुड बेटा, गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ज्योति गोयल, गुड इवनिंग बेटा। हाँ सच्चा, माइकोप्लाज्मा को फैकल्टेटिव एनरोब्स कहते हैं। ज्योति गोयल बेटा गुड इवनिंग, पूजा कुशवाहा गुड इवनिंग, नेहा शर्मा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग बस जुड़े रहिए, आपकी पूरी किताब खत्म होने वाली है। ये शुरुआत हो गई है, फिनिश भी होगी बेटा, मन लगाकर देखते रहिए। इसके मेंबर्स क्या हैं बेटा? क्लास क्या कहते हैं? और गोल्डन एल्गी या ब्राउन एल्गी है तो भी क्लास, और एलो ग्रीन एल्गी है तब क्लास, यानी ये सारे सारे बेटा इसी को बिलोंग करते हैं। क्राइसोफाइटा में कैसे मेंबर्स आएंगे? कैसे फ्लोट करते हैं? सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल किसकी होती है? किसकी बनी होती है बेटा? डायटोमियस अर्थ कौन बनाता है? डायटम्स। ठीक बेटा, डायटोमियस सॉइल का यूज बेटा पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ आयलन सिरप में। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बताओ बेटा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए 9792169169 में कॉन्टेक्ट कर लें, जिनको पीडीएफ चाहिए। डायनोफ्लैजेलेट का फाइलम क्या है बेटा? पायरोफाइटा। कलर बताओ बेटा। पायरोफाइटा का मतलब बताओ बेटा, कैसी एल्गी होती हैं?
सिलवाल किसकी बनी होती है? कितने फ्लैजला होते बेटा? फ्लैजला की पोजीशन कैसी होती है? रेड डायनो फ्लैजला का एग्जाम्पल बोलो। समुद्र रेड टाइड किसके कारण नजर आता है? रैपिड मल्टीप्लीकेशन। टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, क्या हो जाती हैं? युग्लिनोफाइटा। युग्लिना कहाँ पाए जाते हैं? युग्लिना में सेलवाल बेटा। युग्लिना पेलिकल किसकी बनी होती है? कितने फ्लैजला होते हैं? साइज कैसा होता है? न्यूट्रिशन युग्लिना में कैसा होता है? पिगमेंट युग्लिना के कैसे हैं? न्यूट्रिशन कैसा होता है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की एब्सेंस में? हेटरोट्रॉफ में कैसे हो जाते हैं? प्रीडेटरी। स्लाइमबोर्ड बेटा किसको बिलोंग करते हैं? मिक्सोमाइकोटा को। न्यूट्रिशन कैसा होता बच्चों इसका? सेप्रोफिटिक। बेटा प्लांट बॉडी या स्लाइमबोर्ड क्या कहलाती है? सुटेबल कंडीशन में ये स्लाइम मोड की प्लांट बॉडी ग्रोथ करती है। और बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाती है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती बेटा? रिप्रोडक्टिव बॉडी। स्लाइम मोड में बेटा सेलवाल। वाल बेटा किसमें प्रेजेंट होती है? स्पोर्ट्स बच्चों किसमें हेल्प करते हैं? डिस्पर्सल ऑफ स्लाइम मोड। स्लाइम मोड के दो एग्जांपल बोलो बेटा। ये एनसीईआरटी के बाहर है दोनों पॉइंट, फाइजेरम डिक्टुस्टिनियम। दोनों की बॉडी कैसी मानी जाती है? एसेलुलर इसकी और सेलुलर इसकी। प्रोटोजुआ में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक। न्यूट्रिशन प्रोटोजुआ का कैसा है? हेटरोट्रॉफिक। प्रोटोजुआ कैसे हैं? प्रिमिटिव। कितनी क्लासेस हैं? चार। किस पर क्लासिफिकेशन बेस्ड है? लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। अमीबाइडा कहां पाए जाते हैं? लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? मैरीन फॉर्म में सिल्का शेल होती है सरफेस पर, क्या कहलाते हैं? अगर कैलकेरियस शेल होगी तो क्या कहलाएंगे? फॉर्मिफेरंस। ये शब्द बेटा एक्स्ट्रा लिखा है, बट सिलिका की शेल लिखी है आपकी किताब में। एग्जाम्पल फ्री लिविंग कौन सा है? अमीबाइसिस कौन काज करता है? अमीबा एंटामीबा हिस्टोलिड का। पायरिया कौन काज करता है?
एंटामिबा जिंजिवेलिस। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? फ्री लिविंग भी और पैरासाइट भी। फ्री लिविंग प्रोटोजोअन्स यूगेल्फा, पैरासिटिक ट्रिपेनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस कौन काज करता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। इसका कैरियर कौन है? ग्लोसाइना पैल्पेलिस। क्या कहते हैं? सीसी फ्लाई। सीलेटा में क्या आता है एग्जाम्पल? पैरामिशियम। किसके द्वारा लोकोमोशन? सीलिया। न्यूक्लियस कितने होते हैं? दो। रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस माइक्रो, वेजिटेटिव न्यूक्लियस मैक्रो। फ्री लिविंग सीलिएट का नाम बताओ? पैरामिशियम। कॉमनली क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमलक्यूल। पैरासिटिक सीलेटेड प्रोटोजोआ का नाम बताओ? बेलेंटिडियम कोलाई। बाइंड फ्यूजन सीलेटेड में कैसा होता है? ट्रांसवर्स। स्पोरोजोआ में लोकोमोशन? एबसेंट। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोटोजोआ क्या कहते हैं? मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोआ का नाम बताओ? बहुत दिनों बाद देख रहे हो। प्रफुल्ल दीक्षित, क्या हो गया बेटा? क्या बहुत दिनों बाद देखने से प्रेम मोहब्बत कम हो जाती है क्या, या बढ़ जाती है? जैसा तुमने लिखा वैसा तो लग रहा बढ़ जाती है, नहीं? क्यों प्रफुल्ल, है ना? बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रेम मोहब्बत बनी रहती, नहीं? चलिए आगे लिखो। मलेरियल पैरासाइट बेटा प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल कैसी है? टाइजेनेटिक। प्राइमरी होस्ट क्या है? ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट क्या है? फीमेल एनाफिलीज। ट्राई फेज में तीन फेज कौन सी हैं? बोलो बेटा, तीन फेज कौन बताएगा? ह्यूमन में क्या बनता है? मीरोजॉइट्स। कौन सी फेज कहते हैं ह्यूमन में? दो फेज मतलब मास्क्यूटोम होती हैं, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। ठीक है, अब बेटा अगला किंगडम आ चुका है। किंगडम का नाम फंजाई। चलिए पहला क्वेश्चन, फंगस कैसे हैं? करेक्टर बोलो। नॉन क्लोरोफिलस, हेटरोट्रॉफिक, नॉन वैस्कुलर, थैलोफाइट, विदाउट रूट सिस्टम एंड लीव्स। यूनिक किंगडम बेटा ये हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म का।
ये चीज इंपॉर्टेंट इसमें, ग्रेट मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट है। ऑरेंज रॉड कौन कॉज करता है? फाइटोप्थोरा। ब्रेड पर डेवलप्ड फंगस राइजोपस। एडिबल मशरूम एग्रिकस बाइस्पोरस। क्या कहते हैं? गिल्ड फंजाई, टोडस्टूल फंजाई, इनएडिबल। टॉक्सिक मशरूम एमानिटा। क्या कहते हैं कॉमन लीफ? फ्लाई एगेरिक। व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड एल्बिगो कैंडिडा। दूसरा नाम बेटा सिस्टोपस कैंडिडा। बच्चों ये तो बिल्कुल सही है कि आपको आता सब है, मैं केवल आपको इसलिए जुड़े रहने के कहूँगा कि आप क्या रिवीजन हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर रिवीजन के लिए बेटा, और इस प्लेटफॉर्म पे दूसरी कोई चीज़ नहीं है, केवल केवल रिवीजन। किताब खोलो, पन्ने खोलो, क्वेश्चन सुनो, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, यही इसका उद्देश्य इस पूरे प्लेटफॉर्म का। हाँ एक चीज बहुत जरूरी है कि मोबाइल पे कई बार बेटा पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो थोड़ा बहुत अगर लिखते पढ़ते रहोगे तो अच्छा रहेगा। आइए, ब्रेड और बियर बनाने वाला सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी। रोल नंबर 91। यस सर। अच्छा ठीक। व्हीट रस्ट पक्सिनिया में व्हीट रस्ट फंजाई के द्वारा व्हीट में बेटा ब्लैक रस्ट कहते हैं। एंटीबायोटिक सबसे पहले किससे मिला, बाद में किससे मिला? मोस्ट ऑफ द फंजी कहाँ ग्रो करते हैं? फूड बेटा नष्ट ना हो जाए कहाँ रखते हैं? यूनिसेलर फंजी के नाम बताओ। फंजी को फिलामेंट को क्या कहते हो? हाइफी कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लेटेड हाइफी को क्या कहते हैं? हाइफी के नेटवर्क को क्या कहते हैं? क्वेश्चन सुनते रहो, आंसर देखते रहो। मैं आंसर हो सकता ना बोलूं, बट क्वेश्चन बोलता रहूं। बेटा यही रिवीजन का मतलब है कि मैं क्वेश्चन बोलूं, आप उसका आंसर देते रहें और समझते रहे बेटा। फंगस की सेलवाल किसकी बनी होती है? फंगस में न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोफाइट कैसे फूड एब्जॉर्ब करते हैं? पैरासाइट कहाँ रहते हैं? सिम्बियोटिक के कितने एग्जाम्पल हैं? कौन कौन से हैं? एल्गी फंजाई का एसोसिएशन लाइकेन, हायर रूट और फंजाई का एसोसिएशन माइकोराजा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा फीजन और बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। स्पोर्स कौन कौन से हैं? फ्लैजलेटेड कौन सा है? वो स्पोर्स एस्को स्पोर्स और बेसिडियो कैसे हैं? वो स्पोर की प्लाइडी क्या है? बाकी सभी की प्लाइडी। फ्रूटिंग बॉडीज क्या बॉडी होती हैं? रिप्रोडक्टिव। जब बेटा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है दो मोटाइल गैमिट का,
तो क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या कहते हो? रिडक्शन डिवीजन को क्या कहते हो? एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम बताओ बेटा, सेक्सुअल स्पोर्स के नाम बताओ बेटा। माइटोस्पोर्स का मतलब जो किसके द्वारा बने, माइटोसिस। मियोस्पोर का मतलब किससे बने बेटा, मियोसिस। एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर कैसे स्पोर हैं, मियोस्पोर्स। कुछ क्वेश्चन बने हैं, माइटोस्पोर्स माइटोसिस से, मियोस्पोर्स मियोसिस से। गुड बेटा, बस आंसर लिखते रहो, जीवांत बने रहोगे। जीवांत लोग लग रहा आ गए, लिखने वाले लिखते रहे बेटा। प्लैनोस्पोर विद फ्लैजेला, ए प्लैनोस्पोर विदाउट फ्लैजेला, एंडोजिनस अंदर बने, एस्कोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, एक्सोजिनस बाहर बने, कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स, हैप्लोइड और डिप्लोइड। डिप्लोइड स्पोर्स आर जाइगोट, उ स्पोर्स, ये तो बता ही चुके हैं सब। जब बेटा दो हैप्लोइड हाइफी फ्यूज करती हैं तो क्या कहते हैं, सोमेटोगेमी। जब दो हैप्लोइड सेल्स फ्यूज करती हैं तो क्या कहते हैं, प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ये दोनों बेटा दिए हुए बहुत अच्छे से। एस्कोमाइसिटिस बेसिडियो में कौन सा स्पेशल फीचर होता है, डाइकैरियोफेज। रिप्रोडक्टिव बॉडी को क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। फंजाई का क्लासन किस पर बेस्ड है बेटा, मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, तीनों पर बेटा। चलिए कंपेयर बोल दें या अलग अलग बोल दें, अलग अलग बोल दें, जो बना हुआ बेटा वो ठीक रहेगा, है ना, कि कंपेयर बोल दें, कंपेयर सही रहेगा, कंपेयर सही रहेगा बेटा। चलो एलगल फंजाई, सैक फंजाई, क्लब फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, टेस्टल साथ एक्वेटिक, फाइकोमाइसिटिस, बाकी सारे टेस्टियल पैरासिटिक, सिनोसिटिक एसेप्टेट, बाकी सब सेप्टेट, सेलवाल काइटिन के साथ सेलुलोज भी, बाकी सब काइटिन, फ्लैजेला प्रेजेंट, फ्लैजेला एब्सेंट। तो बेटा एक करेक्टर एक्वेटिक, एक करेक्टर एसेप्टेट, एक करेक्टर सिनोसिटिक, एक करेक्टर सेलिलोज, एक करेक्टर फ्लैजेला। ये पांच करेक्टर स्पेशल है केवल फाइकोमाइसिटीज में। डाइकैरियोटाइजेशन इन दो में मिलेगा, डोलीपोर सेप्टा इसमें मिलेगा, क्लैंप कनेक्शन इसमें मिलेगा, सेक्सुअल रिडक्शन एब्सेंट यहां होगा, यूनिसेलुलर मोनोकैरियोटिक ये होंगे। बस एग्जांपल बोलो बेटा, इनका एग्जांपल क्या है, राम, इसमें बेटा नैन्सी, पी भी कह सकते हैं, इसमें बेटा क्या है, अप्पू, इसमें क्या है, कैट, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ऑस्टिलेगो,
पक्सिनिया एग्रिकस, पेनिसिलियम नीरोस्पोरा एस्परजिलस, क्लेविशेप्स ईस्ट। चलो ये खत्म हो गया बेटा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग। मॉरन एंड बफल्स एडिबिल डिलीशियस, इस्मट अस्टिलेगो रस्ट पक्सिनिया एग्जाम्पल हो चुके। कोलेटोट्राइकम रेड रॉट ऑफ डिजीज सुगर केन, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिड ए, आइए बेटा किंगडम प्लांटी पर पहुंचते हैं। नैन्सी मैम बेटा, नैन्सी मैम सक्षम बोलो, नैन्सी मैम अच्छे से याद हो, नैन्सी मैम ऐसे याद रहेगा ना। कैसे करेक्टर बोलो बेटा, यूक्रेड क्लोरोफिलस, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, पार्शियल हेटरोट्रॉफ कौन, पैरासिटिक कौन, इंसेक्टिवरस ब्लेडर वर्ट एंड वीनस फ्लाइट है, पार्शियल हेटरोट्रॉफ कौन, इंसेक्टोस के नाम बताओ, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म नाम बताओ, सेल में सेल कैसी, क्या क्या इंक्लूड करोगे, बाकी ठीक, लाइफ साइकिल कैसी, किसकी, एनिमेलिया में न्यूट्रिशन, सेल कैसी, सेलवाल एब्सेंट, न्यूट्रिशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड्स ऑन प्लांट, डाइजेशन कैविटी में, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन और फैट, रिजर्व फूड बेटा ग्लाइकोजन एंड फैट, थक गए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोजोइक मीन्स बेटा इंजेक्शन ऑफ फूड एनिमल लाइक, ग्रोथ कैसी, डेफिनेट, सेंसरी सिस्टम लोकोमोशन रिप्रोडक्शन जनरली सेक्सुअल, वायरस वायरॉइड और लाइकन को विटकर ने किंगडम में जगह है नहीं दी है, करेक्ट, और कॉमन कोड फ्लू वायरस, वायरस ट्रू लिविंग नहीं है, कॉमन कोड किसके द्वारा, वायरस, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, वायरस, वेनम का मतलब नेम गिवन बाय इवानोवस्की ने क्या खोजा, टोबैको मोज़ेक डिजीज इम्प्लांट, बैक्टीरियल फिल्टर से बेटा ये छन जाते नहीं, छन जाते हैं बैक्टीरिया से छोटे या बड़े, छोटे होते हैं। एमडब्ल्यू बेजरिंग ने क्या कहा, कंटेजियम वायरम फ्लूडम, डब्ल्यू में स्टैनले ने क्या तैयार किए, क्रिस्टल्स, क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ वायरोलॉजी,
वायरस के कैरेक्टर्स, वायरस हमारी बॉडी के बाहर कैसा होता है बेटा, वायरस किस प्रकार का पैरासाइट है, प्रोटीन की कवरिंग के अलावा क्या पाया जाता है, ऐसा कोई वायरस नहीं जिसमें दोनों पाए जाते हों। वायरस को कहते क्या हैं, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल प्लांट में क्या होता है जनरली, बाकी एनिमल में क्या होते हैं बेटा, रेबीज वायरस, लाइसा वायरस कैसा है, नीडोट्रॉफिक। साइजा वायरस कैसे होते हैं, कंटीजियम वायमम फ्लूडम का मतलब बैक्टीरियोफेज का मतलब वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। टीएमवी किसने खोजा, कैसा होता है, लंबाई कितनी, डायमीटर कितना, क्वाइलिंग कैसी, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, कितनी लंबाई है, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने कैप्सोमियर हैं, ये एक्स्ट्रा है पॉइंट थोड़ा सा। बैक्टीरियोफेज वायरस जो किसको इन्फेक्ट करे क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज। किस तरह का शेप है, टेडपोल लाइक। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल, वायरस की प्रोटीन कोड को क्या कहते हो, कैप्सिड की यूनिट को क्या कहते हो, कैप्सोमियर किस प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, ह्यूमन में डिजीज कास्ट करने वाले वायरस, प्लांट वायरसेस के नाम बोलो बेटा, प्लांट वायरस डिजीजेस के नाम बोलो, टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफेज का ठीक बेटा। वायरस को इंट्रासेलुलर क्यों कहते हैं बेटा, केवल सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस होते हैं बस। वायरॉइड को किसने खोजा, किस ईयर में खोजा बेटा, पीएसटीडी कौन काज करता है, पीएसटीडी के अलावा और कौन से रोग हैं, ये सब किसके द्वारा होता है, वायरॉइड। इसमें केवल क्या पाया जाता है, आरएनए, प्रोटीन बेटा इसमें एब्सेंट होती है। आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, कितना मॉलिक्यूलर वेट है, प्रियॉन्स में केवल क्या होता है, कितने डिजीज कॉज कर रहे हैं, बोवाइन डिजीज किस में है, इसी का दूसरा फॉर्मेट ह्यूमन में क्या कहलाता है,
लेकिन किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फाइकोबायोंट। ठीक बेटा, एल्गी भोजन किसके लिए बनाती है? फंगस क्या क्या प्रोवाइड करता है? फंगस दो चीज दे, रहने की जगह भी और पानी और मिनरल्स भी बेटा, करेक्ट। लेकिन गुड इंडिकेटर किसके हैं? पॉल्यूटेड एरिया में रहते कि नहीं रहते हैं? एल्गल कंपोनेंट को, फंगल कंपोनेंट को, भोजन कौन, भोजन किसके लिए बनता है? अपने लिए भी, अपने लिए भी तो बनाओगे। कैसा लगा बेटा आज का ये रिवीजन आपको? ठीक लगा बेटा? कल फिर हम लोग 7 बजे उपस्थित होंगे, संडे है बट हम लोग उपस्थित होंगे। आप लोग कल फिर 2 चैप्टर यानी कि 3rd एंड 4th चैप्टर के लिए शाम को इसी समय 7 बजे, करेक्ट बेटा? इस प्रकार से हम लोग कंटिन्यूअस हो सके तो कंटिन्यूअस में क्लास लेंगे, अगर किसी दिन गैप हो जाए तो कोई बात नहीं बेटा, मैसेज और नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप स्काइप एमटी ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू बेटा, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।